हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथ खड़े करो सारे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारे को तुमने गलत किया, उनको सामने लाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। बीते दिन हमने आपको एक खबर से रूबरू करवाया था कि वार्ड नंबर एक की पार्षद द्वारा जब कुछ दिन पहले अपने वार्ड नंबर एक में अलग अलग एंट्रीज में कुछ गेट्स लगाए गए थे, जब बीते दो दिन पहले उन गेट्स का उद्घाटन हुआ तो उसके बाद बीती रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इस प्रीति खजूरिया जी की फोटो पर कालक लगा दी गई। जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं वुमेन को एम्पावरमेंट को लेकर, आखिरकार अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर प्रीति खजूरिया चाहती है कि वार्ड नंबर एक की डेवलपमेंट हो, वार्ड नंबर एक समार दिखे, तो आखिरकार कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, या तो वो जेलस कर रहे हैं या तो क्या चाहते हैं वो अब पुलिस को देखना है। आज वार्ड नंबर एक की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, रोष व्यक्त कर रही हैं, बवाल मचा है कि आखिरकार जिसने भी ऐसी हरकत की है उसे पुलिस प्रशासन हिरासत में ले। इनसे मैं बात करूंगा। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम शालू शर्मा है। शालू जी, कितना दुख होता है जब आपकी पार्षद जो है लगातार अपने वार्ड नंबर एक को डेवलप कर रही है, नया समाज बना रही है, उसके बावजूद इस तरह से जो लोग काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें कल से ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हमें समझ नहीं आ रहा उस इंसान को क्या हो सकता है कि कितनी प्रॉब्लम होगी एक औरत से कि वो ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। प्रीति मैम ने आज तक अपने वार्ड के लिए हर वो काम किया जो वो कर सकती हैं, हर वो काम हर जगह पे आगे बढ़ती हैं। आप देख लो, कहीं भी हो, जो भी हमारे वार्ड में जो भी प्रॉब्लम होगी वो हर सॉल्व करती हैं। हमारी गलियां बनाई हैं, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने, बीपीएल कार्ड हर काम किया है, मगर एक नाम की वजह से बाकी गेटों पे कुछ भी नहीं है, ये है वो है। औरत को अगर वो ऐसा समझ सकता है वो इंसान, तो वो अपनी घर की औरतों को कैसे समझता होगा? ये बहुत बड़ी गलती है, साजिशी है एक किस्म की। हम इसको जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल कोई आज उनके मुंह पे लगाया, हम भी बहुत बहुत मोहल्ले में बहुत सारी, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा गलत है ये आगे नहीं बढ़ने दे रहे औरतों को। क्या क्या चाहते हम, अभी चुपी रहे? ये वो जमाना नहीं अभी चुप रहने का, हम सब आगे है। इस वक्त आपको हर कोई देख रहा है, क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? हम चाहते हैं जिसने भी ये गलत काम किया उसको पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं। अगर वो सच्चा हमारे सामने आए हम उसको एक बार पूछेंगे कि तू इस समाज में क्या करना चाहता है, क्या गलती मतलब सोच फैलाना चाहता है, क्या चाहते हैं। हमारी मैम ने हमारे मोहल्ले के लिए बहुत सारा काम किया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जिनको अभी कुछ भी नहीं था, राशन नहीं मिलता था, उनके लिए भी काम किया उसने। हम ये जो गलत हरकत है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। ये कौन सा जमाना चल रहा है कि ये बर्दाश्त करी जाए ये गलत बात? अगर एक औरत के साथ वो ऐसी गंदी हरकत करते, हमारी डीसी मैम एक औरत है, हमारे एसएसपी एक औरत है, वो तो सबके साथ, आम औरतों के साथ क्या कर सकता है वो? अगर बड़े लोगों के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, बुजुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर हैं। जी मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कितना दुख होता है अगर आपकी मोहल्ले की बेटी ने इतना काम कर रही है उसके बावजूद कुछ लोग इस तरह के कारनामे कर रहे हैं? बहुत दुख लगा रहा है। बहुत अच्छा काम किया उसने, ये इतना अच्छा किया, गली गली ला नंबर लगोया, बहुत अच्छा काम किया। प्रीति रा बहुत काम किया उसने, जैसे राशन ना मिला उसको राशन भी मिला। तो ये पता नहीं किसको दर्द हुई है किसको नहीं हुई है। देखो ये कहना चाहिए, प्रीति खजूरिया ने बहुत काम किया, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, जो मुंह काला किया है ना उसको सामने लाना चाहिए, सामने लाकर उसको पता चलना चाहिए, जूते लगाने चाहिए उसके मुंह पर। हमारी बाढ़ का एक नंबर बाढ़ में उसने बहुत काम किए, ऐसी कोई बात नहीं। आज ही हमारी मोहल्ले में जाकर कोई देखो ना कितने अच्छे काम किए, जब एक बार आवाज लगाते हैं वो खड़ी होती है, ऐसी कोई बात नहीं। मानते हैं हम नाम लिखने से, क्या उसने गलत काम किया? उन चोरों का, बदमाशों का नाम लिखना चाहिए गेट पर, चोरों और बदमाशों का नाम लिखना चाहिए गेटों पर, क्या ये कौन सी बात है? आज इसके मुंह पर काल लगाइए, कल हम भी औरतें, हम बूढ़ी हो गई हैं। इधर कोई जितनी बार मेंबर जहां भी रह कर गए हैं, आज तक किसने ऐसा गेट नहीं बनाया, किसने कुछ नहीं किया। ये पहली बार उधमपुर में ये चांस भी हो रहा है, काला मुंह किया लेडीज का,
और गलत काम किया उन्होंने। हम बर्दाश्त हाथ थोड़ा बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि उसको हमारे सामने लाया जाए और जूतों के साथ उसको जूतों की माला पहनानी चाहिए उसको, ऐसे बंदे को जिन्हें गलत काम किया। इस वक्त हर कोई देख रहा है, लाइव चल रहा है, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो यही मांग करेंगे उसको सामने लाओ और जूतों के साथ उसका सिर्फ गंजा कर दो, ऐसे करो, जूतों की माला पहनकर उसका सामने लाओ, ऐसे यही मांग करते हैं। और ऐसी महिला को उसे माफी मांगनी चाहिए, उसके ऐसा जिसने ऐसा काम किया है महिला से माफी मांगनी चाहिए। उसने प्रीति ने कोई गलत काम नहीं किया, गुंडों बदमाशों के नाम लगाने चाहिए गेटों पर, क्या इसने कौन सा काम गलत किया है? इसमें हमें बताया जाए कि कौन सा गलत काम किया है इसमें, अगर नाम लिखा है जहाँ कुछ भी लिखा है, क्या गलत किया है बताया जाए हमें, क्या गलत किया है इसमें, इसमें काला मुंह करने की कौन सी बात है? हम चाहते हैं कि जिसने भी ये काम किया वो प्रीति मैम से आके माफी मांगे, बस सीधी सी बात। क्योंकि अब एक औरत के सम्मान की बात आ गई है और औरत को सम्मान मिलना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह से बेटी पढ़ पाएगी? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि कहां हमारी बेटी जो है वो सेफ है। इसने ये किया, इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये काम होना चाहिए ताकि आगे के लिए बहुत बड़े सबक मिल सके कि दोबारा ऐसे गलती कोई ना कर सके। हमारे मोहल्ले में हर एक काम हो रहा है, गवर्नमेंट के तहत हो रहा है, इनके तहत भी हो रहा है, जो मैम चल रहे हैं यहाँ मोहल्ले में जिन्होंने ये काम किया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिसको ये बर्दाश्त नहीं ना हुई है वो सामने आ जाए एक बार। अच्छी मिम्रा, लेकिन जिसने बोर्ड खराब किया हमारी जय माँ की जय, बोर्ड भी वही साफ करेंगे, वही खुद लगवाएंगे, उनका ऐसे फेस होना चाहिए जैसे था उनका साफ, ऐसे होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बोर्ड देखें आप किस तरह से कालक जो है लगाई गई है फोटो पर। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को जूम करके दिखाया दोबारा से कि किस तरह से प्रीति खजूरिया की फोटो पर लगभग दो दिन पहले कुछ लोगों द्वारा, आखिर वो कौन थे, उनके द्वारा इस फोटो पर कालक लगा दी गई है। काफी कायरों वाला काम जो है उन्होंने किया है, क्योंकि कहा जाता है पीठ के पीछे छुरा खोबना कायरों का काम होता है, तो वही कायर जो है सामने आए हैं। अगर ये वीडियो कोई भी अधिकारी देख रहा हो तो उनसे अपील है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, पता लगाया जा सके आखिरकार इसमें किसका हाथ है। इसी के साथ मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।